हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर 5 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं, एंड इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूँ, आप लोग के कुछ क्वेरी कंसर्न्स ले लेते हैं। आप लोगों ने कुछ क्वेरीज भी दी हैं, कुछ फीडबैक, कुछ बहुत अच्छे आपके, आप लोगों का साथ हमारे साथ बना हुआ है, आप लोगों की बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके जो भी और डाउट्स हैं, बिकॉज अभी हम ड्यू टू दिस लॉकडाउन लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे, तो जब तक लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही तब तक आपका डाउट लेने का तरीका हम ऐसे ही रखेंगे। देखो, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हमेशा, लेक्चर को हमेशा लाइव देखो, ताकि जो भी आपका डाउट है वो मैं आपको लाइव चैट में साथ के साथ रिप्लाई कर दूँ। बट जो स्टूडेंट्स फिर भी बाद में देख रहे हैं, उनका मैं जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट्स निकाल कर फिर उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर करूंगा। ठीक है, सो आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू दिस सीरीज। चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं। पहला कमेंट रहे रहमत शेख का। रहमत शेख इज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकिंग अस फॉर आर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द वंडरफुल वीडियोज कंटेंट विच वी आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, एंड राहत, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों को अपने क्वेरी कंसर्न्स रेज करते रहो, लेकिन साथ ही आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है, जो आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है लाइक्स के वे में, कमेंट्स के वे में एंड शेयरिंग के वे में, वो भी मिलता रहेगा तो हमारे भी हिम्मत बढ़ती है आपको इस टाइम पर और ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एंड इसी तरह से और भी हमारे पास अच्छे कॉमेंट्स आए हैं दैट वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स वेरी वेल। एंड यहाँ पर एक सत्यव्रत का कॉमेंट है, ही सेइंग सिंपलेस्ट आर द सिंपलेस्ट थिंग्स मीन्स द मोस्ट। देखो, बेसिकली हम इस इन वीडियोज में इस पूरे इंडस्ट्री रिलेशन के जो लेक्चर है उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि पिक्चर्स के वे में आपको समझाने के लिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हो, उसी ट्रिक को, उसी तरीके को यहाँ पर यूज करने की कोशिश हमारी भी है कि आपको मैं पिक्चर्स के साथ कोरिलेट करके, मूवीज के साथ कोरिलेट करके, इमेजेस के साथ कोरिलेट करके चीजें कर रहा हूँ, ताकि आप मेमोराइज कर सको। ठीक है, एंड साथ में मैं आपको हैंडआउट भी देता हूँ, तो आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर जो सक्सेस ट्री नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना है, बिकॉज अदरवाइज क्या है कि कुछ ना कुछ चीजें मिस आउट आप कर जाओगे, पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया कि सर, जहाँ आपने आर्टिकल 32-35 लिखा है वहाँ कन्फ्यूजन है। अब बेसिकली देखो, यहाँ पर क्या है, जो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने सारे आर्टिकल्स कवर अप किए, मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमने लास्ट लेक्चर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वहां पर हमारा स्पेसिफिकली कंसर्न था इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो हमने जो भी किया है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट से किया है, तो बाकी जो टॉपिक्स है, ठीक है, या बाकी जो आर्टिकल्स है, मैंने वो इतना डिटेल में कवर अप नहीं किए थे। ठीक है, सो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो हमने पॉलिटी की क्लासेस ऑलरेडी किए हैं, वहाँ फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो लेक्चर्स है, वो आप लोगों को एक बार देख रहे हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली डाउट उन स्टूडेंट से आ रहा है, या तो उन्होंने नहीं देखा है, या फिर मेरे को इसी तरह से और भी कुछ कॉमेंट्स मिले हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को कई चीजों पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बिकॉज आप लोगों ने डॉक्यूमेंट रीड नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट जरूर रीड करो, हैंडआउट जो मैंने इस लेक्चर का दिया था। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों को अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हो जो हमने पॉलिटिकल लेक्चर ऑलरेडी किया है, फिर कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये बार बार कॉमेंट आता है अमित देव का, मैंने यहाँ पे कॉमेंट पिक किया ये चीज़ें बाकी स्टूडेंट को समझाने के लिए भी कि सर क्या ये कम्प्लीट सिलेबस इनफ होगा उसके लिए। देखो, ये जो वीडियोज हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सक्सेस ट्री के इस चैनल पे, वो सफिशिएंट है। प्लस इसके अलावा हम आपको हैंडआउट्स भी दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा सक्सेस ट्री नाम से चैनल बना हुआ है, वहां पर आप हैंडआउट्स पढ़ोगे, दो चीजें होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरी चीज है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आप लोगों को जरूर इनरोल करनी है, ताकि आपको इन सभी चीजों की प्रैक्टिस होती रहे, तो जो भी आपके डाउट्स, क्वेरी, कंसर्न्स है, बिकॉज कुछ ना कुछ हमारी प्रिपरेशन में अगर कुछ लूप रह जाता है, तो वही रीजन होता है कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हम, तो वो जो डाउट है, वो जो गैप है वो ना रहे, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज एनरोल करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप लोग सक्सेसफुली इस एग्जाम को क्रैक करो। ठीक है, एंड इसके बाद एक एक इशू हो गया है हमारे लास्ट लेक्चर में, जो वहां पे हमने क्वेश्चन किया था 2017 के प्रीवियस ईयर में, वहां पे थोड़ी सी करेक्शन है, सो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी काफी कमेंट थे लास्ट वीडियो में, तो वो भी मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमने जो 2017 का पेपर डिस्कस किया था, वहां से था ये डाउट, एंड
देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, हमसे पूछा था कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सेवन शेड्यूल जो दिया हुआ है उसमें स्टेट लिस्ट के अंडर कौन कौन से कौन सा इनमें से जो सब्जेक्ट है वो आता है, कौन सी एंट्री जो है वो सब्जेक्ट लिस्ट में आती है, ठीक है। तो हमने इसमें जो मिस्टेक किया था वो कुछ इस तरह था कि हमने सी को मार्क किया था। देखो सी जो है ये है यूनियन लिस्ट के अंडर, ठीक है। सो ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। एंड बी जो सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड है ये कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब स्टेट भी इस पे लॉ बना सकती है और सेंटर भी बना सकता है। एंड इसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड माइंस था ये भी आपका जो है ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट के अंडर था, ठीक है। सो हमारा इसका जो आंसर है वो ए है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। जो रिलीफ फॉर द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल है वो जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब आपको ये पूरा वीडियो जो है लाइव रेगुलर बेसिस पे देखना है ताकि आपके जो भी क्वेरी कंसर्न आते हैं वो मैं साथ के साथ वहीं पर ही कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आपको आंसर दे सकूं। देखो एंड इसके अलावा आप लोगों के कुछ और भी क्वेरी कंसर्न रहते हैं, देखो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के जो भी क्वेरी कंसर्न है वो आप रखिए, एंड जो भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं अभी इस सिचुएशन के अंडर वो हम साथ के साथ कर लेंगे। एंड बाद में हम कुछ लाइव सेशन भी करेंगे आप लोगों के साथ ताकि वो जो क्वेरी कंसर्न और इसके अपार्ट आपके रह जाते हैं वो हम आपके वहां पर कवर अप कर लें। लेकिन तब तक आप लोगों ने अपनी अच्छी तैयारी कर लेनी, हमें बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है लॉकडाउन का। देखो अदरवाइज तो बड़ी सारी दिक्कत है लेकिन इस दिक्कत को कैसे आप अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हो ये आपके ऊपर होगा, और इसमें हम आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको हम लगातार लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जब तक ये लॉकडाउन खत्म होता है तब तक आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर अप कर चुके होंगे इस लेक्चर सीरीज के थ्रू प्लस हैंडआउट्स के थ्रू। एंड आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया, तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की जितना ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा अपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें आज का लेक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर देखो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड करा देता हूँ बिकॉज आज का लेक्चर हमारा ट्रेड यूनियंस के ऊपर है। मैंने ऑलरेडी जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ एंड ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया वो मैं करवा चुका हूँ, डिटेल में हमने किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, आप लोगों को डिटेल में हिस्ट्री का पता लग जाएगा। बेस बनाने की कोशिश थी वहां पर, तो अब हम बेसिक से अब ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक स्पेसिफिक चल रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन। मैं थोड़ा सा फिर भी रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात हमने देखा था जो ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में उसकी फॉर्मेशन की जो स्टार्ट है अगर हम लेके लेके चलें तो वो हमने देखा था नारायण मेघजी लोखंडे जी के कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने इस चीज को शुरुआत दिया था कि यूनियन के वे में अपनी डिमांड्स वगैरह जो है एम्प्लॉयर के या कंपनी मालिक या मिल मालिक के आगे रखने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम शुरू किया, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने यूनियन बना, पहली यूनियन जो है वो उन्हीं के अंडर बनी थी जिसका नाम था बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन, ठीक है। ये बनी थी हमारी 1890 में, ठीक है। ये थी फर्स्ट वर्कर्स यूनियन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड मद्रास लेबर यूनियन है जिसको हम बीपी वादिया जी ने बनाया था 1918 में। मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमें, अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट यूनियन तो हमारा आंसर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनियन इन इंडिया वर्कर्स यूनियन, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे हैंड्स मिल एसोसिएशन। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो हमारा आंसर होगा मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ एक और चीज क्लियर कर दूं कि मद्रास लेबर यूनियन वॉज अ रीजनल लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल की यूनियन थी, मीन्स ये थी हमारी प्रोविंस जो उस टाइम पे मद्रास प्रोविंस थी उस लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। सो उसके बाद हमने महात्मा गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात भी की थी हमारे सेकंड लेक्चर में, जिसमें हमने बात किया था कि उन्होंने कैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाने में हेल्प किया था, फॉर्मेशन में हेल्प किया था, एंड उनको टूल्स भी दिए थे कैसे आप हंगर स्ट्राइक को भी यूज करके अपनी बात को सामने रखवा सकते हो एंड बिना वायलेंट तरीके से भी कैसे अपना अपना जो है हक आप अपने एम्प्लॉयर से अपने मालिक से मनवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में जहाँ पे हमने गांधीयन अप्रोच भी पढ़ा था। इसके बाद हमारी है फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन एट नेशनल लेवल, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन हमारी बनी थी वो बनी थी एट द फेडरेशन लेवल, यूनियन लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे
फर्स्ट जो ट्रेड यूनियन है जिसको जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड भी है आपकी, ठीक है, ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जो कि प्रेजिडेंटशिप में बनी थी लाला लाजपत राय। यहाँ पे मुझे लाइव चैट में फटाफट बताइए 1920 में इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता, उस टाइम पर उस पीरियड में क्या खास बात हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, क्या खास बात हुई हुई थी जिसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू हो गया था चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियंस बनने का, ठीक है। मैं आप एक और हिंट देता हूँ, 1919 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या खास बात थी फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या हुआ था 1919 में ऐसा कि ट्रेड यूनियंस को एक इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया में भी एक अच्छा पुश मिला था, ठीक है, बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए चैट बॉक्स में, मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। ये बेसिक थी फॉर्मेशन ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, ठीक है। उसके बाद से ही, बिकॉज उससे पहले से ही मूवमेंट चल रहे थे एंड फाइनली इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना 1919 में, एंड इंडिया में भी देख रहे हो आप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया 1920 में, एंड ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बने थे। हम हमेशा जो है 1920s का जो पीरियड है इसको इंडिया में एक लेबर मूवमेंट का पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कई सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहे थे और साथ ही इनकी इन्होंने अच्छा अपने मालिकों पे पुश बनाना शुरू किया, देन अपनी डिमांड को रखवाना रखना और मनवाना शुरू किया, ठीक है। तो ये बहुत, बिकॉज इसके साथ एक अच्छी बात ये थी कि जो नेशनलिस्ट लीडर थे हमारे, चाहे गांधी जी हो, लाला लाजपत राय हो या ऐसे ही और जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन लोगों ने भी इन यूनियंस का साथ दिया जिसकी वजह से इतनी ये ग्रो कर पाई, ठीक है। तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री इस कॉन्टेक्स्ट में। अब हम अपने टॉपिक वाइज चलेंगे, आप एक बार डिटेल जो है देख लीजिएगा, हमारा जो हैंड आउट है उसे भी नहीं पढ़ा जिन्होंने वो पढ़ लीजिएगा, एंड प्लस सेकेंड लेक्चर जो है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो अपने लेबर लॉज का वो पढ़ लेना है, ठीक है। चलें फिर आपका आज का हम टॉपिक शुरू करें। आज का टॉपिक है देखो, सबसे पहले ट्रेड यूनियन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो ट्रेड यूनियन एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट में जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, मीनिंग है ट्रेड यूनियन का, वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ये सेक्शन 2H में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको रीड करेंगे, मैं आपको सिंपल वे में भी समझाऊंगा, इसको हम पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन मीन कि कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ चुने हुए या कुछ कम लोगों का भी हो सकता है, ज्यादा लोगों का भी हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन जो ये और ये जो ट्रेड यूनियन होती है, ये हो सकता है ये टेम्परेरी बने, मतलब कुछ टाइम के लिए बने और फिर उसके बाद खत्म हो जाए, या फिर परमानेंट रहे कि हमेशा बनी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन ट्रेड यूनियन बनी हुई है, ठीक है। एंड अब ये यूनियन किन के लिए होगी, ये बेसिकली देखो इसका पर्पस होगा पहली बात तो रेगुलेट करने का रिलेशंस को, जो किसके रिलेशन, ये वर्कर और वर्कर वर्कर और एम्प्लॉय के रिलेशन, ठीक है, मतलब हमारा जो वर्कर है उसका एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ठीक है, एंड वर्कर और वर्कर के बीच में, मतलब दो एक ही फैक्ट्री में दो काम करने वाले दोनों वर्कर्स भी हो सकते हैं, दो फैक्ट्रियों में अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे वर्कर एंड वर्कर का हो गया कॉन्टेक्स्ट। एंड इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है इसके बाद एम्प्लायर्स एंड एम्प्लायर्स, ठीक है, तो एम्प्लायर और एम्प्लायर के बीच में भी हो सकता है कि दो अलग अलग इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक होंडा मोटर्स है और एक होंडा ही मोटर्स है, तो ये दोनों एम्प्लायर हैं, तो ये भी आपस में इनके भी रिलेशनशिप हो सकते हैं जो कि ये ट्रेड यूनियन के थ्रू लिंकअप किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करेंगे, ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रेड में, किसी भी इंडस्ट्री में फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, मैं यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो ट्रेड यूनियन है सिर्फ एम्प्लॉयज की नहीं होती है, ये एम्प्लॉयर्स की भी हो सकती है जो इस डेफिनेशन में दिया है, ठीक है। तो मतलब जो इंडस्ट्रीज जिन जो एंटरप्रेन्योर्स है जिनकी कंपनियां हैं, वो लोग भी उनकी मैनेजमेंट भी जो है और अपनी यूनियंस बना सकती है, ठीक है। एंड थर्ड इसमें क्या है कि फेडरेशन, इट इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन, तो मतलब सिर्फ ट्रेड यूनियन एक एक किसी फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन या किसी इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन नहीं है, आपस में वो ट्रेड यूनियन मिलकर भी एक फेडरेशन भी बना सकते हैं जिसमें तीन चार या नेशनल पे हम बात करें तो कई सारी ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी वर्डिंग यहाँ पर जो दी है, ये बेसिकली है एग्जैक्ट वर्डिंग
जो हमें ट्रेड यूनियन एक्ट में दिया, बट हमारे जो कॉमर्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या नॉन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। तो मेरा हमेशा से अप्रोच रहा है कि मैं अपने इस पूरे कोर्स में, इस पूरे सीरीज में आपको इतने सिंपल तरीके से सब कुछ कराऊं कि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है, ताकि ऐसा ऐसी शक्ल ना बन जाए आप लोगों की जहां पर आप लोग ये कहते हुए सुने जाएं कि कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो सर क्या कहना चाहते हो आप इस सब के साथ? ठीक है, तो मेरी मेरी कोशिश होगी आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाने की, और जो हमारा फॉर्मेट रहेगा कि हम इमेजेस वगैरह यूज करते हैं एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। अब सिंपल तरीके से समझेंगे इसको क्या क्या है, इसको हम ब्रेक करते हैं। अब इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। अब हमने सिंपल देखना भाई ट्रेड यूनियन होता क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ठीक है। तो पहला करेक्टरिस्टिक ये है एसोसिएशन ऑफ एम्प्लाइज, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लाइज भी, और मैंने जैसे बताया एम्प्लायर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या आता है? अब इसमें आता है कि वर्कर्स, ठीक है, और एम्प्लायर मतलब जो काम करने वाला है वो, और जो उसका मालिक है वो, उस दोनों के बीच का रिलेशन देख आ, आ, उन दोनों की भी, उन दोनों का रिलेशन मैनेज करने के लिए भी ट्रेड यूनियन हो सकती है। और दूसरा बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दो कामगारों के बीच में भी, एक ही इंडस्ट्री में, एक ही फैक्ट्री में काम करने, दोनों के आपस के रिलेशन कैसे कैसे उनको मैनेज करना है, ट्रेड यूनियन उसमें कैसे हेल्प करेगी, ठीक है, तो उनके लिए भी हो सकती है। एंड ये एसोसिएशन बेसिकली हम देख रहे हैं कि किसकी किसकी, मालिक और कामगार के बीच में, कामगार और कामगार के बीच में, और दो अलग अलग इंडस्ट्री के मालिकों के बीच में भी, ठीक है। तो ये भी अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, एंड वर्कर्स भी अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, और वर्कर्स और एम्प्लॉयज मिलकर भी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है। एक कौन सी कैसी एसोसिएशन होती है, कैसी यूनियन होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो तीन तरह की यूनियन हमने इसमें देखी, वर्कर और एम्प्लॉयर की यूनियन जहाँ पे वर्कर भी है और एम्प्लॉयर भी है, दूसरी हमने देखी जहाँ पे वर्कर और सिर्फ वर्कर ही है, दोनों वर्कर, एंड तीसरी जिसमें एम्प्लॉयर्स ही हैं, ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंडस्ट्रीज के मालिक भी है, ठीक है। सो सेकेंड इसमें है वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है, वॉलेंट्री मीन्स आप अपनी इच्छा से जाते हो, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं है, कोई पुश नहीं कर रहा, तो फ्री विल है आपकी, आपने ज्वाइन करना आपकी मर्जी, नहीं करना आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो इसी एक यूनियन के साथ जुड़ना ही है आपको, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है, कोई आपको जुड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने जब ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, जब छोड़ना है जब छोड़ दो, ठीक है। तीसरा यहाँ पे परमानेंट बॉडी, परमानेंट बॉडी के रिगार्डिंग में एक बात बता दूं कि यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि जैसे हमने पहले देखा था टेम्परेरी एंड परमानेंट एसोसिएशन लिखा था डेफिनेशन में, यहाँ पर बात की गई है कि हो सकता है वो जो यूनियन है वो काफी टाइम तक काम करे, हो सकता है काफी टाइम तक काम ना कर पाए, वो बीच में ही डिजॉल्व हो जाए, जैसे हमने हिस्ट्री देखी है ट्रेड यूनियंस की उसमें। बट यहाँ पे परमानेंट बॉडी का मतलब है कि मेंबर्स जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे हमने ऊपर देखा वॉलेंट्री एसोसिएशन, तो मेंबर्स आते हैं ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, बट जो और यूनियन है वो बनी हुई है, यूनियन वहीं की वहीं है, उसमें मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके ऑफिस बेयरर्स यानी कि जो जो जिनको पोजीशन मिली हुई है, जो वहां पर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, उस यूनियन को चलाने वाले लोग हो सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बदल रहे हैं, बट यूनियन वहीं की वहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ इसमें रहता है ट्रेड यूनियन की एक खास बात है कि इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? अब देखो अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए जॉब सिक्योरिटी मैटर करती है, उनके लिए बेटर, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जिनको जितना उनको अभी पे मिल रहा है उससे ज्यादा मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, तो ये उनके कॉमन गोल्स रहते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयर्स के भी गोल्स रहते हैं कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स के अलग इंटरेस्ट है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट वाले जो है वो एक साथ आके ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कलेक्टिव एक्शन भी लेते हैं, वो कलेक्टिव एक्शन बेसिकली ट्रेड यूनियन बनाने का मतलब ही यही है कि अब एक को कोई देखो कोई वर्कर है, अगर उसे अकेले को लगता है कि नहीं मेरी सैलरी और होनी चाहिए, वो जाके मैनेजमेंट से बात करेगा तो हो सकता है उसकी बात ना सुनी जाए, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, और फिर वो एक एक से जाके बात नहीं करेगा, एक एक एम्प्लॉयज को जाके समझाएगा नहीं, नहीं यार तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो तुम्हें भी होगा। अब यहाँ पे क्या कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है कि वर्कर्स की जो यूनियन है वो हर एक का दुख दर्द सुनती है एंड फिर देखती है कि हम इसे कैसे कलेक्टिवली मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करें और उनसे कैसे नेगोशिएट करें अपनी बातें मनवाने के लिए, ठीक है, कैसे उनसे हम
यहाँ पे हम बार्गेनिंग करें, मोल भाव करें कि अपनी बातें बनवाने के लिए, ऐसे मैनेजमेंट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रेशर बिल्टअप करती है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के ऊपर हो अपनी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाहे लेबर्स की जो यूनियंस है वो गवर्नमेंट को पुश करती हैं कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाएं ताकि वर्कर्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसमें या हो सके, या वेलफेयर हो सके, या उनकी जॉब सिक्योरिटी बनी रह सके, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी ट्रेड यूनियन की, ये सारी उसकी पहचान होती है, ठीक है। सो इसके बाद अब है रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट। रिपोर्ट मींस एक रेपुटेशन बना के रखना मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, ताकि ट्रेड यूनियन का एक अच्छा काम ये है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल का कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो अपने प्रॉब्लम को लेके किसी के सामने जाए ना, फिर वो काम पे भी ना आए, कभी छुट्टी कर रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ट्रेड यूनियंस क्या करती है, वो हर एक को इस वे में इन्वॉल्व करके रहती है, मैनेजमेंट को कुछ इशू है तो वो जाके ट्रेड यूनियन से बात कर लेते हैं, एंड फिर वो वर्कआउट कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्शन के लिए पुश करना है तो आप सबको मिलके काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बना रहे, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी हड़ताल पे चला गया, ट्रेड यूनियन बनी हुई है तो वो जाके एटलीस्ट वो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट को पहले बता देगी कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करते तो ठीक है, नहीं करते तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन के वे में है कि स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिसिप्लिन है कि आपने पहले ऐसे सीधे जाके कंपनी के गेट के बाहर नहीं बैठ गए, आपने काम छोड़ के नहीं बैठ गए, आप लोगों ने पहले मैनेजमेंट से बात किया, उन्होंने नहीं सुना तो फिर आपने आगे के स्टेप्स लिए, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन भी प्रमोट करता है ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये थे सारे करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी पहचान होती है ट्रेड यूनियन की, जो हम ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू भी मनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है आपको यही समझाने के लिए, तो होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थम्स अप दीजिएगा कमेंट चैट बॉक्स में, लाइव चैट में, अगर आप लोगों को अब ये क्लियर हो रहा है कि मैं क्या आपको कितने इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ये सारा मैं बड़े सिंपल वे में समझा दूँ, बिकॉज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा ट्रेड यूनियंस के ऊपर, ट्रेड यूनियन एक्ट 2000 सॉरी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर। तो वो एक्ट में मैं कर रहा हूँ तो वो बड़ा फैक्चुअल हो जाएगा, बट उससे पहले अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट में वो फैक्चुअल को पार्ट भी हम बड़े इजिली कर लेंगे एक बार अगर आप ये सब कुछ समझ गए, बिकॉज यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, एंड ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, बाकी तो फिर पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो बड़े इजिली हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी अकॉर्डिंग हम आगे भी इसके बाद हम फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने, चलिए हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के। बेसिकली देखो हमने देख लिया कि करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये पहचान है किसी एक ट्रेड यूनियन की, ये सारे उसकी उसके करेक्टर की निशानी है, बट अब ये ट्रेड यूनियन हमने बनानी क्यों है, हमें ट्रेड यूनियन चाहिए क्यों होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। पहली बात ये हम सबको पता है कि ट्रेड यूनियन का हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रहता है, एंड इकोनॉमी इकोनॉमिक में सबसे पहली ऑब्जेक्टिव उसका कि ये है कि उसको बेटर वेजेस, जितने अभी वेजेस मिल रहे हैं उससे अच्छे वेजेस सैलरीज मिले, बिकॉज होता क्या है कि आपने जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो वेजेस आपने सेट किए वो अलग वो उस टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन रहेगी, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, तो आप उसको एडजस्ट करके जो है इम्प्रूव करो, इंक्रीज करो वेजेस को, इंसेंटिव्स दो यहाँ पर वर्कर्स को, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहता है, एंड ये पहली हमेशा इंपॉर्टेंट डिमांड में से ट्रेड यूनियंस की यही रहती है, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ट्रेड यूनियंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, मतलब जिनके साथ कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, या फिर डिटेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के साथ अगर ट्रेड यूनियन ना हो तो कोई बड़ा धक्काशाही हो सकती है कि उनको कुछ चीजें मिल पा रही हैं, कुछ नहीं मिल पा रही है, ठीक है। वो फिर मालिक कभी खुश हुआ तो कुछ बोनस भी देगा, कभी नाराज हुआ तो जॉब से भी निकाल सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन काम आती है कि ट्रेड यूनियन इस चीज को ध्यान रखती है कि जो है ये सब कुछ जो एम्प्लॉयर है उसके विम्स एंड फैंसी पे या उसके मूड के ऊपर ना चले, ठीक है।
सेकंड इसमें क्या है, सेकंड इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी फैक्ट्री, जैसे हमने इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम देखा कि वहां पे फैक्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, लोगों को मशीन का पार्ट समझ लिया गया एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस में उनको काम करना पड़ रहा है, वहां पर बीमारियां फैल रही है, मलेरिया प्लेग हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें वहां पर हो रही है जिसकी वजह से बहुत मौतें हो रही है एंड लोगों की अनसेटिस्फेक्ट्री सिचुएशन है, फैमिली से दूर है, घर से दूर है, बच्चे भी लगे हैं उसी फैक्ट्री में काम करने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ट्रेड यूनियन का काम होता है कि वर्कर एम्प्लॉयर हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेगा, लेकिन वर्कर जो ट्रेड यूनियन है उसको वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम करना है, वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, वेंटिलेशन की फैसिलिटी है उस फैक्ट्री में या नहीं है, उसको प्रॉपरली छुट्टी मिल रही है, जो वीकली ऑफ है उसको पेड मिल रहा है नहीं मिल रहा, जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे, ये सब कुछ देखना भी ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव रहता है, एक लक्ष्य रहता है, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, इंश्योर फेवरेबल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि जिस टाइम आपको हायर किया गया उस टाइम पे जो टर्म्स थी वो क्या थी, रिक्रूटमेंट के टाइम तो जो एग्रीमेंट बनता है वो कैसे है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, प्रमोशन का कैसे है, ट्रांसफर। अब ऐसा तो नहीं है एम्प्लॉयर नाराज हो गया तो उसने आपको इस फैक्ट्री से उठा के किसी और फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको जो है रिट्रेंचमेंट, ये होता क्या, हम पढ़ेंगे इसको, रिट्रेंचमेंट एंड लेआउट्स वगैरह, ठीक है। तो अब आपको नौकरी से निकाल दिया या फिर छटनी कर दी, ठीक है, एंड या फिर वो उसको लगा कि मैं ज्यादा, मेरे जो वर्कर से ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मैं कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री ही बंद कर देता हूँ, ना फैक्ट्री बंद रहेगी तो ना इनको मुझे पैसे देने, ना ही मैं कुछ टाइम का हिट भी ले लूंगा जो मेरे को प्रोडक्शन ना होने से मिलेगा, तो उसको लॉकआउट हम बोलते हैं, हम करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड यूनियन आती है कि वो इन सारी चीजों पे हेल्प करती है, एक एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर भी और सबके लिए भी, कि जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन रहे हैं कि नौकरी करेंगे क्या कुछ तौर तरीके रहने वाले हैं, क्या कुछ रूल रहेंगे, कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना है, प्रमोशन के रूल क्या होंगे, कब प्रमोशन मिलेगी, क्या इंसेंटिव मिलेगा, वो सब कुछ भी देखना। इसके बाद अब यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेड यूनियन का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि एम्प्लॉयर अपनी मनमर्जी ना करे किसी एक ट्रेड यूनियन के किसी वर्कर के अगेंस्ट, किसी पर्सनली कुछ खुंदक ले लिया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसा ना हो कि उसको इंडिविजुअली टारगेट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो ये सिचुएशन ना हो, इसमें ट्रेड यूनियन इस बात का ध्यान रखती है कि सबके हाथ जस्टिस होना चाहिए प्रॉपरली, यूनियन लिटरल एक्ट नहीं होना चाहिए कि आपने बिना ट्रेड यूनियन से बात किए मैनेजमेंट ने कुछ भी डिसीजन ले लिया एंड वो वर्कर्स के हक में नहीं है, उनको इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। तो इस बात को डिसिप्लिन बनाए रहे, जैसे हम पहले देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रेड यूनियन का कि वो इस बात की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है या जो फैक्ट्री है वहां पे डिसिप्लिनरी तरीके से काम उतरे। यहाँ पे एक एग्जांपल है कंपनी यूनियन का या फिर येलो यूनियन भी इसे हम बोलते हैं, ये बेसिकली हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, येलो यूनियन या कंपनी यूनियन हम उसे बोलते हैं जो कि कंपनी या मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे फंड की बात हो, चाहे और रिसोर्सेस की बात हो, ये बेसिकली आप देखो जिससे आपको पैसा मिल रहा है आप उसी की भाषा बोलोगे, तो कंपनीज क्या करते हैं खुद से ही ट्रेड यूनियन नाम से तो बना दी लेकिन फंडिंग भी उनको दे रही है, जो उसके ऑफिस बेयर या जो वो यूनियन चलाने वाले हैं उनको भी वो खुद से ही फंड पैसे प्रोवाइड कर रही है एंड ताकि वो उसके हक की बात करे, पैसा उनसे मिला तो उन्हीं के हक की बात करेगा एंड उसको फिर एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीजों से बचने के लिए ट्रेड यूनियंस काम करती हैं, ठीक है, ताकि वो यूनियन जो है वो लोग जो फैक्ट्री में काम करने वाले या एम्प्लॉयर जो है उनको रिप्रेजेंट करें ना कि कंपनी को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी यूनियन जो कंपनी को रिप्रेजेंट करें और लोगों जो वर्कर्स है उनके हकों का ध्यान ना रखे, इसको हम पपेट्स बोलते हैं, मतलब एक कठपुतली टाइप जो है मैनेजमेंट के हाथ की कठपुतली जिसे हम बोलते हैं वो है यूनियन, इसको येलो यूनियन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, ये इसका मोटिव रहता है कि जो सिर्फ वर्कर का नहीं उसकी फैमिली का वेलफेयर का भी ध्यान रखे, उनको अगर हम उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकें, क्वार्टर्स प्रोवाइड कर सकें, बच्चों की स्कूल की एजुकेशन पर ध्यान दे सकें या ऐसी और एक्टिविटीज पे हम ट्रेड यूनियन कोशिश करते हैं कि हम काम कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ हमारा, एंड सिक्स्थ है कि एक जो मित्रतापूर्ण एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन बना रहे, ठीक है,
ठीक है, तो ये इस पे भी कोशिश रहती है ताकि लड़ाई झगड़े से बेटर या स्ट्राइक वगैरह पे जाए उसे बेटर कि आप पीसफुली बैठकर मैनेजमेंट से बात करो, मैनेजमेंट वर्कर से बात करें और वो उसमें ट्रेड यूनियंस हेल्प करती हैं, ठीक है। और इससे हमारी कोशिश होती है पूरी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल पीस बना के रखने की होती है ताकि फैक्ट्री का जो है काम प्रॉपरली चलता रहे, इंडस्ट्री को भी लॉस ना हो और वर्कर्स को भी किसी भी तरह का हार्म ना हो, ठीक है। सो ये हो गया। सेवन जो है प्रोवाइडिंग नेगोशिएटिंग मशीनरी, ठीक है। अब हमने देखा ट्रेड यूनियन का बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्कर्स को, और ऐसी एम्प्लॉयर्स की यूनियन है तो फिर वो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली आपके पास एक एक आपके पास ऑफिस बन गया जहां पर जाकर आप बैठकर बात कर सकते हो, या फिर आप कहो कि एक टेबल एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पर वर्कर्स को कुछ इशू है तो वो अपनी ट्रेड यूनियन से बात करेगी, ट्रेड यूनियन फिर जाके मैनेजमेंट से बात करेगी, मैनेजमेंट का कुछ इशू है तो वो ट्रेड यूनियन को डायरेक्टली जाके बात करके समझा सकते हैं कि हमारा कंसर्न है, आप जाके वर्कर्स को एग्री करवाओ, उनको मनाओ, ठीक है। तो अगर वो जायज मांगों पर काम किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोशिश होती है नेगोशिएटिंग मशीनरी की, ठीक है, ताकि पीसफुली एक फैक्ट्री में एक इंडस्ट्री में काम हो सके, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, दैट इज सेफ गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे अब अगर प्रॉपरली ट्रेड यूनियंस अपना फंक्शन कर सकें कि ट्रेड लेबर्स के जो भी इश्यूज हैं उनको प्रेजेंट कर सकें मैनेजमेंट के सामने, तो जो ग्रीवांस रिड्रेसल है मींस जो उनकी शिकायत का निवारणीकरण है वो हो सके, एंड ऐसे ही जो और इश्यूज हैं कि वर्कर्स ऑफिस नहीं आ रहे, एब्सेंटिज्म की बात है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, ठीक है, एंड वर्क एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई नहीं है बिकॉज उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस नहीं हो पा रही है, उनकी मांगों की बात भी नहीं हो पा रही है एम्प्लॉयर के सामने, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन उस चीज़ में हेल्प कर देती हैं कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे काम करने के लिए, एंड एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा इससे, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है बिकॉज अगर सेटिस्फाइड है एम्प्लॉयर तो ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, एंड डिसिप्लिन बना रहेगा किसी भी फैक्ट्री किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। और देखो बेसिकली अभी हम करेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, और अब हम फंक्शंस करेंगे ट्रेड यूनियन के। ये सारी चीजें अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 करेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आराम से समझ जाओगे बिकॉज यही सारी चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट बनता है 1926, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन ये आपका बेस है वो बहुत फ्रैक्चर हो जाएगा, इस करके पहले मैं आपको ये सब कुछ समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे। यहाँ पे हमारे पास चार फंक्शन है, पहला फंक्शन है हमारे पास मिलिटेंट और प्रोटेक्टिव और इंट्रा म्यूचुअल फंक्शंस, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बात ये है कि यहाँ पे बोला जाता है कि सिंपल सी बात है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रेड यूनियन का वो है अपना हक मनवाना, चाहे वो अगर बैठकर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो सके, मतलब आपस में डिस्कस करके बातें मनवाई जा सके तो ठीक है, नहीं होता तो डायरेक्ट एक्शन करो, लेकिन अपनी मांग जो है वो सबसे ऊपर है, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमारी जो मांग है वो जेन्युइन है और वो पूरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए हम स्ट्राइक करना पड़े चाहे इसके लिए घेराव करना पड़े। ये स्ट्राइक घेराव में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करेंगे, ठीक है। सो अब इसमें क्या है कि दो तरह से होता है ये, एक है सेक्शनल बार्गेनर और दूसरा है क्लास बार्गेनर, ठीक है। तो एक ट्रेड यूनियन जैसे हमने बात की थी कि वो एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्शन की बात करे, कुछ लोगों की बात करे, चाहे वो वर्कर हो गए या फिर जो उनसे सीनियर हो गए, मतलब जो डेस्क जॉब करने वाले फॉर एग्जांपल मैनेजर्स की भी खुद से हो सकता है उनके कुछ प्रॉब्लम हो तो वो अलग से करें। दूसरा है क्लास बार्गेनर्स, क्लास बार्गेनर्स हो गए कि हर एक इंडस्ट्री के वर्कर्स जो एक साथ इकट्ठे एक साथ मिल जाते हैं और उनके कुछ डिमांड है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो रखने के लिए ट्रेड यूनियन बनाकर अपना बात सामने रखवा रखते हैं, एंड पूरी इंडस्ट्री को, जैसे मैं बात कर रहा था फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, तो अपनी बात मनवाने के लिए सारे मैकेनिक एक साथ एक क्लास की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, वर्कर क्लास बन जाती है, एंड फिर वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो है स्ट्राइक्स वगैरह करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका ये ट्रेड यूनियन का ये एक फंक्शन होता है, एंड दूसरा फेटरनल और एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंक्शन। ये फेटरनल बेसिकली वर्ड है कि एक
पितृभाव से आता है कि मतलब जो ट्रेड यूनियन है वो अपने आप को अपने वर्कर्स का एक लालन पोषण करने वाला भी समझता है, उनके लिए एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि अगर हमारे यूनियन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो जो ट्रेड यूनियन है वो उनके भले के लिए भी काम करेगी। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दे पाएगी? देखो कई बार होता ये है कि स्ट्राइक के टाइम पर आपने स्ट्राइक किया है तो एम्प्लॉयर भी अड़ जाता है कि नहीं मैं आपको, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, वो कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, कोई वर्कर बीमार है तो उसको हेल्प नहीं है, तो ये ट्रेड यूनियन उस सिचुएशन में हेल्प करते हैं। एंड इनके पास जो फाइनेंशियल असिस्टेंट ये देर असिस्टेंस ये देर या अपने वर्कर्स को, वो पैसा कहाँ से आता है? ये आता है ट्रेड यूनियन खुद से भी, वर्कर से मेंबरशिप का कुछ पैसा लेती है, ठीक है, तो वहां से पैसे आते हैं इनके पास डोनेशन से पैसे आते हैं, ठीक है, तो वो सारा पैसा जो है वहां से इनको हेल्प हो जाती है ताकि अपने वर्कर्स को भी जरूरत के समय हेल्प कर सके। तो ये भी एक उनका फंक्शन है ट्रेड यूनियंस का, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल फंक्शन, ये हमने बहुत सुना है ट्रेड पॉलिटिकल फंक्शन के बारे में, ये है बेसिकली बिकॉज हर एक ट्रेड यूनियन जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जुड़ी है। हमने देखा था अपने लेक्चर्स में कि कौन सी पार्टी के साथ कौन सी ट्रेड यूनियन जुड़ी हुई है, तो वो उसी तरह से वो पार्टी के हेल्प कई बार पार्टी के हक के लिए काम करेंगे, पार्टी पावर में आ गई तो वो उनके हक के लिए काम करेगी, तो इस तरह से दोनों का रिलेशनशिप चलता है। देखो लेकिन मेरे को यहाँ पे जो हमेशा ध्यान में आता है, मैं जब भी पॉलिटिकल फंक्शन की बात करता हूँ ट्रेड यूनियन की, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये इमेज आती है यहाँ पे। अब देखो बेसिकली इनका रिलेशन ऐसा है, यहाँ मगरमच्छ जो है के अंदर चिड़िया जो है जाके कुछ अपना कीड़े वगैरह चुन रही है या फिर कुछ मांस वगैरह फंसा है उसके दांतों में तो वो चुन रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप रहता है कि यहाँ पर मगरमच्छ को इस चिड़िया की जरूरत है ताकि उसके दांतों की सफाई हो जाए, जो भी कीड़े वगैरह वही चिड़िया निकाल ले और चिड़िया को खाने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सोचो जब ये चिड़िया जब ये मगरमच्छ का मन हुआ कि मैं अब ये आज यही मेरा खाना है, तो वो इसे बंद भी कर सकता है मुंह को और ये इसके खाना भी बन जाएगी जो अभी तक इसके लिए हेल्प कर रही थी इसका। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कई बार पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करती है कि वर्कर्स की जो जेन्युइन इंडस्ट्रियल डिमांड है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है जिसकी वजह से वर्कर को अपना हक नहीं मिल पाता, ठीक है, और वो इस पॉलिटिक्स में फंस के रहता है। बिकॉज हमने इंडिया में देखा है कि ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं, एक ही इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारी यूनियंस हो सकती है और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ हो, ठीक है, तो वो उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन में फंसकर अपने हक की लड़ाई जो है वो पीछे ही रह जाती है उनकी, तो ये हेल्प भी करता है कई बार, प्रॉब्लम भी हो जाती है इसकी वजह से। चौथा रोल जो है चौथा फंक्शन जो है ट्रेड यूनियन का वो है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में क्या है कि देखो जो छोटे वर्कर हैं, लेबर है, उनकी यूनियन के मेंबर्स, उनके उनकी उनको एजुकेट करने के बारे में, उनके राइट्स को एजुकेट करने के बारे में काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी स्ट्राइक्स वगैरह ना होती रहे, ऐसे ही कुछ लोग इकट्ठे होकर स्ट्राइक्स ना कर लें, ट्रेड यूनियन के थ्रू बात अपनी रखवाएं, नहीं मानी जा रही अगर मैनेजमेंट में तब स्ट्राइक होंगी, तो अननेसेसरी स्ट्राइक्स को ये रोकने का काम भी करते हैं। एंड एक हमने किया था जब हम हिस्ट्री कर रहे थे इन ट्रेड यूनियंस की, तो हमने किया था कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया ने जब प्लान किया कि हमने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उस प्लानिंग में एक पॉइंट ये भी था कि हमें वर्कर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, हमें इंडस्ट्रीज का सपोर्ट चाहिए होगा, तो ये ट्रेड यूनियंस उस फंक्शन को फुलफिल करती हैं, उस काम को आगे बढ़ाने काम करती है, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो प्लान है, जो विजन या जो सोच वो लेके चले वो पूरा हो सके, उसमें ये ट्रेड यूनियंस भी अपना सहयोग करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ट्रेड यूनियंस का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिकॉज ये वैसे भी किसी रूल रेगुलेशन से गवर्न प्रॉपर नहीं हो रहे, तो इनकी भी कुछ मांगे होंगी जो इनको मनवाने के लिए इनको एक साथ आना पड़ता है, और इसमें ट्रेड यूनियंस बड़ा हेल्प करते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, अभी तक पहले तक कोई ऐसा प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था जिसके अंडर ये रेगुलेट होते हो, तो जब आप कोई यूनियन बना लेते हो तो अगर चाहे आप अनऑर्गेनाइज हो लेकिन फिर भी आपकी बात सुनी जाती है, बिकॉज आप अब आप एक नंबर हो। जैसे हम पॉलिटिकल फंक्शन की बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखता है कि अब ये सब एक साथ आ गए हैं एंड अब इनके हक की बात हमें करनी पड़ेगी ताकि इनका वोट हमें मिल सके, तो वो नंबर हमेशा काउंट होता है, चाहे मैनेजमेंट के सामने भी बात रखवाने की बात हो या फिर अदरवाइज, ठीक है। तो ये चार मेन फंक्शंस है ट्रेड यूनियंस को, इन्हीं चारों फंक्शन में हम बाकी जो इनके काम है उनको हम डिवाइड कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आता रहता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं एंड जो असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड का है उसमें भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको बड़ा आपको समझना है यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर, अब बेसिकली यहाँ पर हमने देखना है कि किस किस टाइप की ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है। पहला टाइप है उसमें क्राफ्ट यूनियन। क्राफ्ट यूनियन बेसिकली होता है कि किसी एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड यूनियन, इसको हम ऑक्यूपेशनल यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। कि आपके पास कोई एक स्किल है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल आप मैकेनिक हो, तो आप मोटर मैकेनिक हो, तो वो आपका क्राफ्ट है। अगर आप सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहां पर आपका एक स्पेसिफिक क्राफ्ट है आपके पास, ठीक है। ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्राफ्ट रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे यहाँ पर पायलट्स की भी एक इंडियन पायलट्स ग्रेड भी बना हुआ है, ठीक है। तो पायलट्स की आपने कई बार देखा हो, पीछे लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था, चाहे वो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज हो या फिर जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज हो, उनकी खुद की एसोसिएशन भी बनी हुई है। एंड पायलट्स जो स्पेसिफिकली एक स्किल आ गया कि वहां पर उनका एक स्किल है कि वो पायलट है, तो पायलट्स फिर अलग अलग कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडस्ट्रीज ये क्राफ्ट यूनियंस काम करती हैं, ठीक है। तो एक क्राफ्ट यूनियन का क्या हो गया क्राइटेरिया, कि वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक किसी पर्टिकुलर स्किल से लेके रिलेटेड लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप रखिएगा पायलट्स का, कि चाहे ये एयर इंडिया के हो चाहे जेट एयरवेज के हो, ये अलग अलग इंडस्ट्री कंपनीज हो सकती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन वो जब एक साथ आ जाते हैं अपने स्किल की वजह से कि वो पायलट है, तो वो क्राफ्ट यूनियन उनको हम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट पढ़ो आप, बेसिस ऑफ एन इंडस्ट्री रेदर देन क्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि ये स्किल के बेसिस पे डिवाइड हो। दूसरा, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है, ये डिवाइडेड है बेसिस ऑन द इंडस्ट्री, तो वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, वो हो सकता है एग्रीकल्चर हो, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में के बेसिस पे डिवाइड हो, ठीक है, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप इन इन तरीके से डिवाइड हैं, तो वो आप इंडस्ट्रियल यूनियन है। इंडिया में ये सबसे पॉपुलर टाइप की यूनियन है इंडस्ट्रियल यूनियन, ठीक है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा है, कोल में देखा है, माइनिंग में हमने देखा है, ठीक है। तो इस तरह की यूनियंस वहां पे बनी होती हैं एंड यहाँ पर वर्कर्स फ्रॉम लोअर लोएस्ट शॉप लेवल शॉप फ्लोर ग्रेड अप टू मैनेजमेंट लेवल आर रिक्रूटेड। तो ये बेसिकली क्या है, जो सबसे नीचे का एम्प्लॉय है वो भी इसमें का मेंबर होगा, जो सबसे ऊपर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है वो भी इसका जो है मेंबर होगा, ठीक है। बेसिकली हम जैसे बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पर हो सकता है सबसे फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर भी इसका पार्ट होगा, और ऊपर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कंपनी का वो भी इसका पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसको हम इंडस्ट्रियल यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है, एक को जैसे पीछे आपने कई बार देखा होगा न्यूज में सुना होगा कि जैसे लास्ट ईयर की बात थी या इस ईयर स्टार्टिंग में बात थी, हमने देख रहे थे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स हैं वो एक साथ आके जो है स्ट्राइक्स कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी होंडा की स्ट्राइक भी हुई थी लास्ट ईयर 2018 में, काफी इशू रहा है इनका, मानेसर प्लांट पे बड़ा इशू रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जब ये लोग एक साथ आ जाते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल यूनियन का पार्ट होते हैं। एंड ऐसी अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात हम करें, जैसे होंडा के यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, तो उसको हम कंपनी यूनियन भी बोलते हैं, या कंपनी की स्पेसिफिक लेबर यूनियन भी हम उसे बोलते हैं। थर्ड है यहाँ पे जनरल यूनियन। जनरल यूनियन में बेसिकली इसका क्या है कि यहाँ पर मेंबरशिप जो है वो सभी के लिए ओपन रहता है, ठीक है। वर्कर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के यहाँ पर जो है वो वर्कर्स जो है आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले भी एक ही में आ गए, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी एक ही में आ गए, ठीक है। तो ये सारा आपका फिर जो है जनरल यूनियन बन जाता है। ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया में इंडस्ट्रियल यूनियन ज्यादा पॉपुलर है, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वालों ने अलग यूनियन बनाया, एग्रीकल्चर ने अलग बनाया, आईटी वालों ने अलग से अपनी यूनियन बना रखी है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रियल यूनियन ज्यादा पॉपुलर है। जनरल यूनियन जहाँ पर सब मिलकर एक यूनियन में काम कर रहे हैं, ऐसा पॉपुलर ज्यादा नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये तो थी हो गए तीन टाइप जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो है आपको एक और भी क्राइटेरिया है फंक्शनल बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड करने का, कि ये कि जैसा उनका काम है उसके हिसाब से उनको डिवाइड करने का काम हम देखें किस वे में ये कह रहे हैं। ये दिया था रॉबर्ट एफ
हॉक्सी, ठीक है। तो इन्होंने ये कैटेगराइजेशन दिया था कि कैसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं अलग अलग यूनियंस को। इन्होंने पहले बोला तो एक तो उसमें इन्होंने टोटल 5 यूनियंस की बात की है, 5 यूनियंस, 5 टाइप्स ऑफ यूनियंस की बात इन्होंने की है। पहला इन्होंने बोला बिजनेस यूनियन। बिजनेस यूनियन बेसिकली होती है यहाँ पर बटर ब्रेड एंड बटर यूनियन। इसको हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका मेन काम है कि इकोनॉमिक जो है, हमने सिर्फ इकोनॉमिक अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करनी है, हमारा मेन कंसर्न है वो रिजॉल्व होना चाहिए। और ये कहते हैं जो अभी इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बस इसी सिस्टम में रहकर अपनी बातें मनवानी है, ठीक है। चाहे वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो, ठीक है, मतलब अपनी बातें नेगोशिएट करके या बात विवाद करके उसमें में हम सॉल्व करें, या फिर यहाँ पर हम जो है स्ट्राइक्स, अगर जरूरत पड़े तो हम स्ट्राइक्स वगैरह भी करें, बट हम जो भी करेंगे वो सिस्टम में के अंदर रह के ही करेंगे, ठीक है। हमें कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक साथ चलेंगे एंड हमारा जो मेन कंसर्न है अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए, बाकी हमें इतना कोई और सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो है रेवोल्यूशनरी यूनियन, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये जो सिर्फ आप वर्कर्स की बात नहीं है, पूरी जो सिस्टम है यही करप्ट है या फिर ये एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का है, कि ये वर्कर्स को भी एक्सप्लॉइट करता है और बाहर जो है गरीब है उसको भी एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो ये सीधा ही कहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के, इस पूंजीवादी सोसाइटी के या इस पूंजीवादी समाज के ही अगेंस्ट हैं। ये सिस्टम ही ठीक नहीं है, हमें इसकी जगह सोशल सिस्टम लेके आना है जहाँ पर सभी को अपना बराबरी का हक मिल सके। एंड इसके लिए अगर हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा स्ट्राइक करेंगे, बायकॉट करना पड़ेगा अगर हमें तो वो भी हम करेंगे, एंड अगर हमें घिराव भी करना पड़ेगा, घिराव बेसिकली हम सबसे वायलेंट तरीका मानते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल करने का, ठीक है। ये टूल सबसे जो है वायलेंट टूल माना जाता है, बिकॉज आप फैक्ट्री की मैनेजमेंट को घेर लो, उनकी कार रोक लो, उनका रास्ता रोक लो, तो वो बड़ा वायलेंट तरीका गिना जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कम्युनिस्ट अप्रोच रहता है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह की काम कर किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रेडेटरी। प्रेडेटरी बेसिकली होता है ये मौका परस्ती की बात है, कि इनको मौका मिलता है तो ये अपने मतलब से, इनको मतलब है, इनको बाकी इंडस्ट्री, इनका मानना है ये कि जो मैनेजमेंट है वो अपने मतलब से काम करे तो हमें भी अपने मतलब से काम करना है, हमें आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, मौका मिलते ही हमें अपना हक मनवाने के लिए काम करना है, ठीक है, बस झपट पड़ना है, ठीक है, जैसे ये फॉक्स झपट पड़ता है, ठीक है। तो चाहे वो अगर बार्गेनिंग से हो जाए बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो अगर हमें इसके लिए ब्राइबरी करनी पड़े, घूस देनी पड़े या वायलेंस भी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, तो भी आप अपनी बात मानने के लिए हम ये करने को तैयार हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गए। चौथा, चौथा जो है इसमें फ्रेंडली एंड अपलिफ्ट यूनियन है। ये बेसिकली होता है कि यहाँ पर इनका बड़े आइडलेस, बड़े सुखद स्वभाव के लोग हैं ये, बड़े शांत लोग हैं ये, मॉरल वैल्यूज में बिलीव करते हैं, सोशल लाइफ में बिलीव करते हैं, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते। एंड इनका ये है कि भाई कानून के अनुसार अगर हो पाता है ठीक है, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग इनका टूल रहता है। एंड हम इनका कोशिश है कि कोऑपरेटिव वे में हम रिजॉल्व कर पाए इशूज को, ठीक है। एंड अच्छी बात होगी कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग में भी रख लिया जाए, मतलब जो है कंपनीज के शेयर्स वगैरह हमको अगर दे दी जाए तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम भी प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर भी बन जाएंगे, तो हमें कोई और दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बड़े अच्छे स्वभाव के लोग हैं ये वाली यूनियन को हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हैं सारे के सारे यहाँ पर, ठीक है। एंड फिफ्थ जो है डिपेंडेंट यूनियन, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंपनी यूनियन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि ये बेसिकली या तो कंपनीज पे डिपेंडेंट है, येलो ट्रेड यूनियन जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है, कि कंपनीज ने खुद ही बनाया हुआ है और ये रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वर्कर्स के, बिकॉज कंपनी ही इनको फंड कर रही है या वो सब कुछ, ठीक है। तो वो ये डिपेंडेंट है कंपनी कंपनी के ऊपर, तो उन्हें हम कंपनी यूनियन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर हम यूनियन लेबल यूनियन भी बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या है कि ये जैसे ऊपर वाला कंपनी यूनियन जो है वो उसे कंपनी फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट कर रही है, वैसे नीचे जो है वो यूनियन लेबल यूनियन बेसिकली है कि यहाँ पर जो यूनियन है वो खुद से ही सस्टेन कर रही है एंड जो वो काम कर रही है वो खुद से, खुद पे ही निर्भर होके कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी
यूनियन लेवल यूनियन हो जाती है, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन हमारे लिए जो है डिपेंडेंट यूनियन ही, जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वो डिपेंडेंट यूनियन का ही है। तो दिस विल बी सफिशियंट, इससे ज़्यादा और डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी सफिशियंट। ये 5 तरह के ट्रेड यूनियंस की इन्होंने बात की है। हम आगे चल के अभी एंड में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? तो आप लोगों को पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, समझना है, सुनना है, ताकि एंड में जब मैं क्वेश्चंस पूछूं इन सभी टॉपिक से तो आप अच्छे से आंसर कर सको, ठीक है? अभी अभी तक हमने बात की थी ट्रेड यूनियंस की, जो थी वर्कर्स के रिलेटेड थी, वर्कर्स के हक की बात किया वो सब कुछ। लेकिन हमने देखा था कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो जो है एम्प्लॉयर्स भी बनाते हैं, ठीक है? तो अब हम एम्प्लॉयर्स की यूनियंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी थोड़ी सी जो है हमें जो है इनकी हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे पास लेबर यूनियंस की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मैं ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी हैंडआउट इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल SST पे जाके आप देखिए, वहाँ पे जितना मैं अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ या आगे करूंगा वो पूरा डिटेल में दिया है, तो आप डिटेल में वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बात है, सबसे पहले 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक तो 1930 से पहले की बात इनकी। अब यहाँ पे ब्रीफ में अगर मैं बात करूँ तो बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन बना था 1875 में। इसको हम पहला वर्कर्स एम्प्लाइज एसोसिएशन काउंट करते हैं। ऐसी बंगाल मिल ओनर्स एसोसिएशन भी है, एंड अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल ओनर एसोसिएशन भी बना था हमारा 1891 में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है 1931 से लेके 46, आजादी से पहले पहले तक हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे। इसमें से है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, ठीक है? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स हैं उनकी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? फेडरेशन मीन्स ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ये बनी थी 1933 में। अगर आप देख रहे हो तो ये सब कुछ 1926 के बाद से बनना शुरू हुआ है, इसे पुश आना शुरू हुआ है। एंड इसके बाद ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन भी बना है 1941 में। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आपके कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, इनमें से एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो 1933 में बना था। आज़ादी के बाद आपके जो बनने वाले हैं उनमें से इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये 1953 में बना है। एंड गवर्नमेंट जो सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके इन सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के की बात करती है, ठीक है? तो इनकी मैनेजमेंट का भी एक एसोसिएशन है, उसका नाम शॉर्ट में स्कोप बोलते हैं। फुल फॉर्म है इसकी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये बना है 1973 में, ठीक है? इनके ये लोगोज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया यहाँ पे, एंड इसी की तरह स्कोप हो गया फॉर, इनका मोटो आप देख रहे हो प्रमोटिंग एक्सीलेंस, ठीक है? सो बेसिकली ये एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के रिगार्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। बाकी इनके रोल फंक्शंस वगैरह जो है वो आप सिमिलर, जैसे मैंने आपको वर्कर्स का समझाया है वैसे आप एम्प्लॉयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना इनका ऑब्जेक्टिव रहता है, एक अपनी बात को वर्कर्स को कलेक्टिव वे में प्रेजेंट करना भी इनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। डिटेल में एक बार हैंडआउट में आप पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे दिक्कत आ सकती थी वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड इसके अलावा जो वीकनेसेस है ट्रेड यूनियंस की, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स हैं वो भी आपको एक बार वीकनेसेस वाला जो मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखा है, डिटेल दी है उसकी, वो सारे पॉइंट्स भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये सारे हो गए हमारे टॉपिक आज के। एंड अब हम आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मीन्स मेक्स मैन परफेक्ट एंड हेल्प यू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो आज हमने जो पढ़ा है अब उसे अप्लाई कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट करना शुरू कीजिए लाइव चैट में। मैं क्वेश्चन रीड भी कर दूंगा लेकिन आप फटाफट रीड कीजिए और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन फॉर्मड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन। बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि ट्रेड यूनियन किन के रेगुलेशंस को रिलेट करने के लिए बनी होती है। हमने ये ऑलरेडी 2H जो डेफिनेशन हम देख रहे थे ट्रेड यूनियन एक्ट की, उसमें भी था और मैंने उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर कीजिए मुझे फटाफट लाइव चैट में, फटाफट आंसर कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा जब आप लाइव चैट कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए, इसमें पहला हमें दिया गया है वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स परमानेंटली, ठीक है? अब वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स तो होते हैं, बट ये सिर्फ यही नहीं होते, हमने देखा तो और भी है, परमानेंटली भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन ये सेकंड ऑप्शन बात कर रहा है वर्कमैन एंड वर्कमैन की, सिर्फ वर्कमैन और वर्कमैन
की बात है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता फिर। देन थर्ड हमसे बात कर रहा है वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, ये कह रहा है कि मालिक और कामगार, और कामगार और कामगार, ठीक है। एंड तीसरा ये कहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे अभी तक तो, ठीक है। इसमें तीनों ही कवर हो गए हमारे, तीनों यही तीन पार्टीज होते हैं हमारे ट्रेड यूनियंस के, ठीक है, जिनके रिलेशंस को हम मैनेज करते हैं ट्रेड यूनियंस के थ्रू। एंड तीसरी बात ये बोल रहा है टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, टेम्प्रेरी भी हो सकती है ट्रेड यूनियन, परमानेंट भी हो सकती है, और ये तीनों इसमें इन तीनों के रिलेशंस को मैनेज करने की बात है। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें सिर्फ परमानेंटली की बात की है, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज टेम्प्रेरी भी इसमें रहता है। मेनली जो है ये परमानेंट रहती है, अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए मेनली वर्ड, तो वहां पे आपने अगर लिखा हो मेनली परमानेंट और टेम्प्रेरी और कुछ नाम ही ना लिखा हो, तो आपका आंसर परमानेंट भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉट पूछा है हमसे, तो देख लेते हैं। इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्कर्स, ये तो होता ही है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज की एसोसिएशन है ये, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अदरवाइज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इज रिलेटिवली परमानेंट कॉम्बिनेशन रेदर देन टेम्प्रेरी और कैजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इज ये कह रहा है कि रिलेटिवली परमानेंट कॉम्बिनेशन होता है रेदर देन टेम्प्रेरी और कैजुअल, इस पे हम आएंगे स्टेटमेंट पे, हमने अभी अभी बात किया था इसका। इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हु आर एंगेज नॉट सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आप लोग आंसर कीजिए आपका, मैं एंड में बताऊंगा आपको। एंड फोर्थ हमें कह रहा है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मेंबर ऑफ आइडियोलॉजीज, तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि पहला स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रेड यूनियन का एक करेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन की बात करते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट वर्कर्स भी हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इज रिलेटिवली परमानेंट, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था मेनली परमानेंट आ जाए, रिलेटिवली परमानेंट आ जाए, इस तरह की अगर टर्म्स है रेदर देन टेम्प्रेरी एंड कैजुअल, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा स्टेटमेंट, बिकॉज हमने देखा है मोस्टली जो एसोसिएशन वो परमानेंट है, बट कई बनती बिगड़ती भी रहती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता बिकॉज हमसे नॉट पूछा है। थर्ड कह रहा है इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स हु आर एंगेज इन नॉट सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मेन तो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक बेनिफिट सिक्योर करने का, जहां पर अपने वो वेजेस सिक्योर करने की बात करते हैं, सैलरी सिक्योर करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा बिकॉज ये इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। और आइडियोलॉजी से तो डेफिनेटली इंस्पायर्ड होते हैं, चाहे गांधियन आइडियोलॉजी हो, चाहे हमने देखा था मार्क्सियन आइडियोलॉजी हो कार्ल मार्क्स की, ठीक है। तो जहां पे हमारे अप्रोचेस की अगर मैं बात करूं, तो कौन सी अप्रोच थी कार्ल मार्क्स ने जो दी थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। रेवोल्यूशनरी अप्रोच, याद हो अगर आपको, रेवोल्यूशनरी अप्रोच की बात की थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है एसोसिएशन ऑफ केन ऑपरेटर्स इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, केन ऑपरेटर्स की अगर कोई अपना एसोसिएशन बना रहे तो वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, मुझे फटाफट बताओ। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए, बहुत अच्छे से समझा है हमने इस बात को। क्या वो जनरल एसोसिएशन होगी, जनरल यूनियन होगी, क्राफ्ट यूनियन होगी, या फिर इंडस्ट्रियल यूनियन, या यूनियन इंडस्ट्रियल फेडरेशन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल की बात हो रही है, वो है क्रेन ऑपरेटर्स, इसका आंसर है जो, इसका आंसर रहेगा क्राफ्ट यूनियन, बिल्कुल ठीक है, क्राफ्ट यूनियन इसका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन। मैंने ये टॉपिक आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ा है, ये आपको हैंडआउट से पढ़ना है, वीकनेसेस ऑफ ट्रेड यूनियन का रीजन क्या है, बट इस क्वेश्चन की वे में मैं आपको समझा देता हूँ। एब्सेंस ऑफ रैंक एंड फाइल्स लीडरशिप, देखो यहाँ पर क्या है कि अगर नीचे लेवल से जो है लीडरशिप नहीं आ रही है, जो लेबर है अगर वो खुद से ही अपने आप इतना अवेयर नहीं है कि रिप्रेजेंट कर पाए, तो ये एक वीकनेस गिनी जाती है ट्रेड यूनियन की, बिकॉज लीडर बिना एक अच्छी लीडरशिप के कोई भी यूनियन काम नहीं कर पाएगी। एंड दूसरा है स्टेटमेंट एब्सेंस ऑफ एन वन यूनियन, तो हमने इंडिया में देखा है कई सारी यूनियंस हैं इंडिया में, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस का, बिकॉज हर एक अगर अलग अलग यूनियन में लोग बढ़ जाएंगे तो अपना एक कॉमन टारगेट जो है या कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट के सामने एक एकजुट होके अपनी बात नहीं रख पाएंगे। पॉलिटिकल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियन, इसकी मैंने ऑलरेडी बात किया कि घातक भी हो सकता है,
ठीक है, एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, ये आईटी सेक्टर के बारे में बड़ा सही एग्जांपल है। आईटी सेक्टर में आपने देखा हो वहां पे इतनी कोई ट्रेड यूनियंस भी नहीं है और ना ही वहां पे इतना कुछ डिस्प्यूट होता है, बिकॉज उनकी मैनेजमेंट खुद में ही बड़ी प्रोएक्टिव है। उसका रीजन ये है कि आईटी प्रोफेशनल्स को कोई भी खोना नहीं चाहता, तो उनके उनके हक का वो ध्यान खुद से रखते हैं। तो अगर यूनियन, अगर मैनेजमेंट खुद से प्रोएक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो, अगर खुद से ही प्रॉब्लम आने से पहले उसका सोल्यूशन ढूंढने में लगी रहे, तो ट्रेड यूनियंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली वीक बनी रहेंगी। तो इसमें हमें चारों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है, ऑल फोर आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है। अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे हमसे बात की गई है, ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि कौन सी यूनियन जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, जिसमें क्राफ्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्राफ्ट यूनियन की बात तो हो नहीं सकती, बिकॉज इसमें पूरी इंडस्ट्री की बात भी कर दी, ठीक है, एंड पूरी इंडस्ट्री की बात भी नहीं हो सकती, बिकॉज पूरे सभी एम्प्लॉयज की बात इन्होंने कर दी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो। तो हमारा इसमें आंसर जो है वो जनरल यूनियन रहेगा, बिकॉज जनरल यूनियन में आपके जो है सभी आ जाते हैं। इसमें अलग अलग फील्ड में काम करने वाले क्राफ्ट भी आ जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग भी आ जाते हैं, ताकि वो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सब आ जाते हैं। एंड इसी तरह अलग अलग सारी आपकी और एम्प्लॉयर्स भी आ जाएंगे, एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सभी को ये रिप्रेजेंट इसमें रहता है, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर रहेगा, एंड ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है, रीजन का इंडस्ट्रियल लेवल यूनियन, ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, 2017 के पेपर से, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में। हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं रॉबर्ट हॉक्सली की जो है दी हुई टाइप्स ऑफ यूनियंस, मैंने आपको इमेजेस भी साथ में दिए हैं, तो उससे रिलेट करो और मुझे इसमें बताओ कि कौन सी नहीं है। इसमें हमसे पूछा है विच इज एक्सेप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द फाइव फंक्शनल टाइप्स। हमने बिजनेस यूनियन देखा है, बिजनेस यूनियन होते हैं प्रेडेटरी, जहाँ पे हमने फॉक्स का एग्जाम्पल देखा था वो भी, और रेवोल्यूशनरी भी देखा है। एंड डी आंसर इसमें, डी रेवोल्यूशनरी यूनियन करके कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सॉरी एवोल्यूशनरी यूनियन करके कुछ नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है, बिकॉज हमसे एक्सेप्शन ही पूछा है। दो तीन तो ये हो गए, और कौन से दो हैं, पांच है ना टोटल, तो बाकी के तीन, बाकी के दो बताइए, बिजनेस हो गया, प्रेडेटरी हो गया, रेवोल्यूशनरी हो गया, और कौन सा है, एक हमारा फ्रेंडली था, फ्रेंडली या फिर इसे हमने अपलिफ्ट भी बोला था, और कौन सा था, जल्दी से बताइए, बिजनेस, प्रेडेटरी, रेवोल्यूशनरी, फ्रेंडली एंड डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यूनियंस, ठीक है, ताकि चाहे जिसमें हमने बात की थी कंपनी यूनियन की, कंपनी ने पपेट अपने बनाया हुआ है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था येलो यूनियंस का, जो कि बेसिकली और कुछ नहीं होता, कठपुतली होते हैं कंपनी के हाथ में, ठीक है। तो ये हमारे पांच थे टाइप ऑफ यूनियन, जो कि फंक्शनल बेसिस पे डिवाइडेड है बाय रॉबर्ट हॉक्सी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत यूजफुल लगा होगा ये सारा सेशन। इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और टेलीग्राम चैनल पे जाके वो डॉक्यूमेंट जरूर रीड करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब हम ये नेक्स्ट टॉपिक करें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो कोई डिफिकल्टी ना आए समझने में, ठीक है। बड़ा फैक्चुअल होगा ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे लेकिन बहुत आते हैं, तो आपको वो सारी चीजें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो एंड जो भी क्वेरी कंसर्न है, आप मुझे लाइव चैट में इनका सोल्यूशन मिल गया है जिन्हें, वो तो गुड, जिनको अभी जो रिकॉर्ड देखने वाले हैं उनसे पहली बात तो रिक्वेस्ट ये है कि वो लाइव देखें, एंड रिकॉर्ड देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी कंसर्न है या फीडबैक है वो जरूर हमें दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।